Assalamualaikum, class. Introduction to calculus का हमारा कोर्स है ये जिसमें हमने अब तक जो है है वो limit and continuity का chapter डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद हमने स्टार्ट की थी डेरिवेशन ठीक है डेरिवेशन का चैप्टर हमने कंप्लीट किया इस वीक हम करेंगे इंटीग्रेशन जो के बुक से है आपका चैप्टर नंबर सिक्स ठीक है ये चैप्टर नंबर सिक्स है आपका इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटेगर ठीक है जो डेरिवेशन का इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेशन का इनवर्स प्रोसीजर है ठीक है है और जो इनडेफिनेट जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो जो सिंपल इंटीग्रेशन होती है वो इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर कोई वैल्यूज नहीं लिखी होती और जहां पे इसके ऊपर वैल्यूज लिखी हो वो हमारे पास जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स होता है जिसमें लिमिट गिवन होती है और जिसमें लिमिट नहीं गिवन होती वो हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल्स होते हैं ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करने लगे हैं इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करने लगे हैं तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ रूल्स डिस्कस करने लगी हूँ इंटीग्रेशन के जब आपको ये रूल समझ आ जाएंगे तो फिर आप इंटीग्रेशन जो है वो इजीली इंटीग्रेशन के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब हमारे पास फर्स्ट रूल है कांस्टेंट फंक्शन जो ये वाला सिंबल है ये आपका इंटीग्रेशन का ठीक है जो डेरिवेशन है हम डी से डिनोट करते हैं उसको ठीक है डी से या कैपिटल डी से या डी ओवर डी एक्स से हम डेरिवेशन को डिनोट करते थे तो ये वाला सिंबल है इस सिंबल से हमने इंटीग्रेशन को जो है वो डिनोट किया करना है। अब आप देखें इस इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर और नीचे कोई वैल्यू नहीं ना गिवन तो ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है अब जो इंटेग्रल है वो टू टाइप्स के एक होता है डेफिनेट इंटेग्रल और एक होता है इनडेफिनेट इंटेग्रल जो डेफिनेट इंटेग्रल है वहां जिसे हम लिमिट कहते हैं ठीक है और जब नहीं गिवन तो वो इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो यहाँ पे हम जितने भी इस चैप्टर में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे वो इनडेफिनेट इंटेग्रल होंगे यानी लिमिट गिवन नहीं होंगी अब हम देखते हैं फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल है हमारा कॉन्स्टेंट फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती जैसे टू है थ्री है नाइन है ट्वेल्व है ये क्या है एक कांस्टेंट नंबर है उसने कहा लेट के बी एनी कांस्टेंट कॉन्स्टेंट के जो है वो कोई भी नंबर है के टू हो सकता है थ्री हो सकता है अब आपको पता है हम जब डेरिवेशन करते थे तो किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता था जीरो ठीक है टू का डेरिवेटिव जीरो थ्री का जीरो लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रेशन है तो आपने क्या करना है कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लिखते हैं और वन की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स वन की इंटीग्रेशन आपने हमेशा क्या लिखनी है एक्स और प्लस सी साथ में ये जो सी है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जब भी आपने किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है तो आपने ये प्लस सी साथ में लाजमी लिखना है एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ ये रूल देखिए इंटीग्रेशन है की करनी है आप, है आपने विद रिस्पेक्ट टू तो आपने क्या किया five को इंटीग्रेशन से बाहर ले अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा one. तो one की इंटीग्रेशन क्या है एक्स है किसी भी कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होगी उसके साथ हमने एक्स लिख देना है और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इसी तरह आपके ये बाकी के तीन पार्ट्स हैं कि आपने कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर किया और वन की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स ठीक है और अगर जीरो को आपने इंटीग्रेट करना है तो आप जीरो को बाहर ले जो। जीरो भी तो कॉन्स्टेंट है तो अंदर वन बचेगा तो वन की इंटीग्रेशन एक्स वो सारा जीरो ही हो जाना है तो इसीलिए जो हमारे पास जीरो की इंटीग्रेशन है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर आती है क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा पीछे क्या बचेगा सिर्फ सी बचेगा क्लियर है ये आपका है फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन जब भी कोई कांस्टेंट नंबर आ जाना है तो आपने उसको इंटीग्रेशन से बाहर लिखना है और अंदर वन बचेगा तो वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी रूल अब सेकेंड रूल है हमारे पास कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन में एक्स यानी वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करें कांस्टेंट वाला रूल हमने डिस्कस कर लिया अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल आ जाए तो हम उसको कैसे डील करेंगे इंटीग्रेशन में अब ये है एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन अब यहाँ पे एन टू भी हो सकता है थ्री भी मतलब कोई भी पावर हो सकती है ना एक्स की तो आपने अगर वेरिएबल आ जाए और उसकी कोई पावर हो तो आपने उसको इंटीग्रेट कैसे करना है पावर में एक ऐड कर देना है और वही पावर नीचे डिनोमिनेटर में लिख देनी है ठीक है वेरिएबल की इंटीग्रेशन क्या है कि जो पावर है पावर में एक एड कर देना है और वो ही चीज हमने डिनोमिनेटर में लिख लेनी है यहाँ पे एक कंडीशन है कि एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन एन की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती क्यों अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम माइनस वन पुट कर देते हैं तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जीरो और मैथमेटिक्स का एक वेल नॉन रिजल्ट है कि समथिंग ओवर जीरो क्या होता है इन्फिनिटी यानी कि फंक्शन हमारे पास अंडिफाइन हो जाता है ठीक है तो हमने एन की जगह पे माइनस वन पुट नहीं करना ये है हमारा इंटीग्रेशन का सेकेंड रूल इससे रेलिवेंट ये एग्जाम्पल आप देख लें फर्स्ट एग्जाम्पल कि एक्स केयर है एन की जगह क्या है टू तो हमने टू में एक ऐड किया क्या हो गया थ्री और वही हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया क्लियर इसी से रेलिवेंट आपकी ये दो तीन एग्जाम्पल हैं ये भी आप लोग इसी तरह देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल देखिए अंडर रूट एक्स ठीक है अंडर रूट का मतलब क्या है किसी भी चीज के ऊपर अंडर रूट है है उसका मतलब पावर क्या है अब एक्स की पावर क्या है तो यहां भी हम क्या करेंगे कोई भी पावर हो आपकी टू हो चाहे वन बाय टू हो आपने सेकेंड रूल यूज करना है कि पावर में एक ऐड करना है एक्स की पावर क्या है वन बाय टू वन बाय टू में एक ऐड करें वन बाय टू प्लस वन आपके पास क्या हो जाएगा थ्री बाय टू वही हमने पावर में लिखा और वही चीज हमने डिनोमिनेटर में जब हम इसको उल्टा लिखेंगे ये है न, तो ये हो आ जाती है, चाहे वो रेशियो में है चाहे सिंपल है जैसे यहाँ पे हर तरह के एग्जाम्पल गिवन है चाहे पावर पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है चाहे रेशियो की फॉर्म में आपने उसमें एक ऐड करना है और वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में लिख देनी था आपका रूल नंबर टू इंटीग्रेशन का नेक्स्ट आ जाए रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री क्या है हमने डिस्कस किया कि आपके पास अगर कांस्टेंट है तो हम उसको कैसे डील करेंगे वेरिएबल है तो उसको कैसे डील करेंगे अब ये थर्ड रूल ये है कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है अगर तो जस्ट टू कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन आपने करनी है तो आपने क्या करना है कि कांस्टेंट को इंटेग्रल के साइन से बाहर लिख लेना है ठीक है और वन की इंटीग्रेशन क्या थी एक्स लेकिन अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है ना एक्स हो सकता है एक्सर हो सकता है एक्स वन हो सकता है तो अगर कॉन्स्टेंट के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने कॉन्स्टेंट को इंटेग्रल से बाहर लिखना है और इंटीग्रेट करना है जस्ट फंक्शन को ठीक है कांस्टेंट को आपने बाहर लिखना है और इंटीग्रेट जस्ट फंक्शन को करना है जैसे ये एग्जांपल है टू एक्स है यहाँ पे टू है और एक्स क्या है फंक्शन हमने टू को इंटीग्रेशन से बाहर लिखा एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे पावर में एक ऐड, वही पावर रूल अब एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगी वन हमने क्या किया पावर में क्या पावर डिनोमिनेटर में और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब यहाँ पे हमने सी वन इसलिए लगाया कि ये जो बाहर टू है ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा जब एक्स के मल्टीप्लाई होगा तो टू टू से कैंसिल एक्स के है। जब टू सी वन से मल्टीप्लाई होगा तो टू भी एक कॉन्स्टेंट है सी वन भी एक कॉन्स्टेंट है तो दोनों को हम एक कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे दोनों को हम लिख लेंगे सी के टू सी वन किसके इक्वल है सी के इक्वल है इसलिए हमने पहले सी वन लिख दिया और बाद में सी लिख दिया क्लियर है ये हो गई आपकी थर्ड रूल की एग्जांपल नेक्स्ट रूल नंबर फाइव रूल नंबर सॉरी रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर ये है आपके पास के अगर दो फंक्शन इंटीग्रेशन में आपके दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों की इंटीग्रेशन आपने अलग अलग कर लेनी है ठीक है इससे रेलिवेंट मैं आपको एग्जाम्पल करवाती हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये देखे एग्जाम्पल आपके पास अब यहाँ पे 2X plus 4 है दो फंक्शन है ना पहला क्या है टू एक्स और दूसरा क्या है फोर दो फंक्शन क्या हो रहे हैं एड तो आपके पास दो फंक्शन एड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हमने क्या करना है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है टू एक्स को अलग इंटीग्रेट कर लिया प्लस फोर को अलग इंटीग्रेट कर लिया अब इसमें टू बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है और एक्स पे पावर रूल लग जाएगा प्लस सी वन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस उसके बाद आ गया जाए, आप को जब इंटीग्रेट करेंगे तो फोर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा की इंटीग्रेशन क्या एक्स प्लस सी टू क्योंकि जब भी हमने इंटीग्रेट करना हमने कॉन्स्टेंट जो है वो साथ में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लाजमी यूज करना है तो हमने अब दो इंटीग्रेशन थे तो एक के कॉन्स्टेंट को हमने सी वन का नाम दे दिया और दूसरे को सी टू का अभी जो C1 वन प्लस सी है तो दोनों कांस्टेंट इनको फिर हमने एक C कह दिया ठीक है दोनों को हमने साइड पर लिख लिया कि दोनों कांस्टेंट हैं तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक कांस्टेंट नंबर ही होगा तो हमने इसको सी जैसे अगर आपके पास टू है कांस्टेंट नंबर है फोर है वो भी कॉन्स्टेंट नंबर है जब आप इन दोनों को एड करोगे आंसर क्या आएगा फोर प्लस क्या आ जाएगा सिक्स ठीक है वो भी क्या है एक कॉन्स्टेंट नंबर है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा तो क्या है कि जब भी दो फंक्शन ऐड होंगे तो दो ऐड होंगे तो तो आंसर क्या आएगा? उसका हम इसको इस तरह लिख सकते हैं तो ये इस रूल का मेन पर्पज क्या है कि जब भी दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो आपके पास क्या करना है आपने दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है नेक्स्ट रूल देखें नेक्स्ट रूल आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो डेरिवेशन का इनवर्स है ठीक है क्या है है? प्रोसीजर को हम डिनोट करते हैं डी ओवर डी एक्स से और इंटीग्रेशन को हम इस साइन से डिनोट करते हैं अब जब भी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे जैसे अगर हमारे पास टू है ठीक है अगर मैं टू को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या बचेगा टू को अगर वन ओवर टू के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा आंसर क्या बचेगा वन अब वन ओवर टू मैं कह सकती हूँ ना टू का इन्वर्स है तो ये समझ लें ये डेरिवेशन है ये इंटीग्रेशन है तो डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन जो है उसका दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है इनवर्स प्रोसीजर तो डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन से क्या हो सकती है कैंसिल तो आंसर क्या बचना है जस्ट एफेक्स यानी जो भी फंक्शन गिवन होगा अब आप देखें ये जो दो लिखे हुए इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले चाहे डेरिवेटिव का साइन लिख लें या चाहे पहले इंटीग्रेशन का लिख लें उन्होंने आपस में कैंसिल ही होना है ठीक है चाहे आप वन बाय टू को पहले लिख लें चाहे टू को पहले लिख लें तो वो टू टू से कैंसिल होकर आंसर क्या बनना है वन ठीक है तो ये चीज रूल में में उसने बताई है कि जो डेरिवेशन है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है कैंसल हो जाता है और हमारे पास जो फंक्शन अंदर लिखा होता है वर्षीज वही आता है जैसे ये एग्जांपल में आप देखें थ्री एक्स है अगर मैं इसको इस तरह लिखती हूँ आप डायरेक्ट रूल को फॉलो करो तो डेरिवेशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाती है है आंसर क्या बचता लेकिन आप अगर इसको सॉल्व भी करो तो फंक्शन के साथ पहले डेरिवेशन का साइन है मतलब तो पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ठीक है डिफ्रेंशिएट में थ्री एज इट इज एक्स स्केर पर जब हम रूल लगाएंगे तो पावर उतरेगी पावर में से एक माइनस तो थ्री टू से मल्टीप्लाई होगा सिक्स एक्स ठीक है डेरिवेशन हो गई तो डेरिवेशन का साइन खत्म उसके बाद इंटीग्रेशन लें सिक्स को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर और आप जब वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे पावर में एक एड और वही पावर नीचे टू सिक्स से कैंसिल होकर थ्री आ जाएगा देखे तब भी वही आंसर आता है यानी हमारा रूल जो है वो बिल्कुल एक्ट है डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाती है जब भी फंक्शन के साथ ये दोनों साइन लिखे हो तो आंसर हमारा एज इट इज फंक्शन आता है क्योंकि डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसीजर्स हैं ये इससे रेलिवेंट एग्जांपल्स नेक्स्ट ये है आपकी सिक्स पॉइंट वन ये जितने भी मैंने आपसे रूल डिस्कस किए हैं वो सारे आप जब सबको याद कर लेंगे याद भी नहीं करना आपने इसको रट्टा भी नहीं लगाना जब आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे ठीक है तो ये सारे रूल अब तक जितने हमने पढ़े हैं वो सारे इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं ये जो सिक्स इसके टोटल थर्टी क्वेश्चन है ठीक है कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ और कुछ आपने उसको एज अ होमवर्क करने है तो आपने सिक्स जो है वो कम्प्लीट कर लेनी है तो सिक्स के मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ यहाँ डिस्कस करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर वन ही देखें जरा आप लोग ट्वेंटी कांस्टेंट नंबर फर्स्ट रूल लग रहा है यहाँ पे कि ट्वेंटी जो है वो इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और वन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स और साथ में प्लस सी जो है वो आपका कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू और थ्री सेम इसी पैटर्न पे वन बाय फोर भी कांस्टेंट है माइनस फाइव भी इंटीग्रेशन के साइन से बाहर चले जाएंगे और अंदर वन बचेगा और वन की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है एक्स और साथ में प्लस सी आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव देखें आप इंटीग्रेशन के साथ क्या है थ्री एक्स अब यहाँ पे रूल नंबर थ्री लग रहा है कि अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने थ्री को क्या किया बाहर और एक्स पे रूल लग गया कि पावर में एक एड और वही जो है हमारे पास डिवाइड में आ गया ये चीज तो ये हमारे पास साथ में जो प्लस सी जो है वो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है जितने भी रूल हमने डिस्कस किए हैं ये सारे रूल जो हैं लगने हैं लगने तो है अंदर क्या बचा एक्स तो जब एक्स पे आप पावर रूल लगाएंगे तो एक्सर बाय टू तो वो टू टू से मल्टीप्लाई होके फोर हुआ है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर नाइन पे अब जो हमने रूल पढ़ा था कि इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो वो यहाँ पे वही काम है अब 2x एक्स प्लस फाइव दो फंक्शन है दोनों लादा लादा इंटीग्रेट करें 2x की लादा इंटीग्रेशन हो जाएगी 5 की लादा 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी टू बाहर चला गया और एक्स क्या हो गया हमारे पास पावर में एक ऐड वही पावर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गई फाइव को कैसे इंटीग्रेट किया फाइव इंटीग्रेशन से बाहर, की इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। और ऑफ टू टू से कैंसिल और ये आपके पास आंसर आ गया ठीक है जब भी आपके पास दो फंक्शन ऐड या सब्ट हो रहे होंगे तो आपने क्या करना है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेना है ठीक है ये क्वेश्चन नंबर टेन भी है, तरह है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन थर्टीन यही करना है इंटीग्रेशन क्या होगी एक्सर ओवर टू तो थ्री टूज आर सिक्स तो ये एक्स ओवर थ्री की इंटीग्रेशन आ गई वन बाय फोर को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे वन बाय फोर कॉन्स्टेंट है तो बाहर चला जाएगा वन की इंटीग्रेशन क्या आ गई एक्स ठीक है ये आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी सेम इसी तरह है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन अलग-अलग आपने तीन तीन फंक्शन इसमें तीनों को आपने अलग-अलग इंटीग्रेट कर लेना है ठीक है नेक्स्ट आ जाए जरा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पे है इंटीग्रेशन सेम बस थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लिकेटेड है आपने देखो फोर ओवर थ्री क्या है कॉन्स्टेंट नंबर है ना तो फोर ओवर थ्री जो है वो इंटीग्रेशन से हमने बाहर लिख लिया और ये जो है ये चीज फोर ओवर थ्री तो इंटीग्रेशन से बाहर चला गया ये ये चीज है इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर वन बाय फोर है जस्ट अंडर रूट होता है तो हम एक्स की पावर वन बाय टू लिखते हैं लेकिन अगर अंडर रूट के ऊपर कोई वैल्यू लिखी हो फिर वन ओवर में वो वैल्यू लिखते हैं तो फोर बाय थ्री कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन से बाहर चला गया ये एक्स की पावर क्या हो गई वन बाय Four. तो इस पे वही हमने रूल लगा दिया कि पावर में एक ऐड किया और वही पावर डिनोमिनेटर में आ गई तो पावर में जब ऐड किया फाइव 5 फोर उलट के जब ऊपर आएगा तो ये फोर ओवर फाइव हो जाएगा तो फोर फोर सिक्सटीन और फाइव थ्री फिफ्टीन तो ये जो है ये आंसर आ जाएगा ठीक है अब बच्चों आपने सिक्स पॉइंट वन जो है वो कंप्लीट कर लेनी है